नमस्कार, मैं हूं करिश्मा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं INS न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हाथरस कांड में CBI की जांच तेज, क्राइम सीन से लेकर दाह संस्कार वाली जगह पर जाकर CBI ने लिया जायजा। पीड़िता के परिवार से मुलाकात, पूछताछ के लिए पीड़िता के भाई को ले गए साथ। प्रदूषण पर सियासी घमासान शुरू, मनीष सिसोदिया ने EPC और केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा केंद्र सरकार पूरे साल सोती रही, अब पूरा उत्तर भारत जूझ रहा है। पिछले करीब 2 महीने में मंगलवार को सबसे कम मामले आए सामने, पिछले 24 घंटों में 55,000 से ज्यादा नए केसेस, वहीं महाराष्ट्र और दिल्ली में भी मामलों में जारी गिरावट। हाथरस कांड में CBI का एक्शन मोड ऑन है। आज CBI की टीम घटनास्थल पर पहुंची, वहां सबूत इकट्ठा किए, उसके बाद पीड़िता के घर पर पहुंची, परिवार वालों से मुलाकात भी की। देखिए पूरी रिपोर्ट। हाथरस कांड में CBI ने अपनी जांच शुरू कर दी है। मंगलवार को CBI की टीम ने बुलगड़ी गांव के अलग अलग इलाकों में जाकर छानबीन की। CBI ने करीब 3 घंटे घटनास्थल पर बिताए, जहां पर वीडियोग्राफी की गई और पीड़िता के परिवार के सदस्यों से क्राइम सीन पर भी सवाल जवाब हुए। क्राइम सीन के बाद CBI की टीम उस जगह पर पहुंची जहां पुलिस ने पीड़िता का दाह संस्कार किया था। CBI की टीम अब पीड़िता के घर पहुंची है, यहां पर ही परिजन से बात की। जब CBI की टीम पीड़िता के घर से निकली तो टीम के साथ में पीड़िता के भाई को भी लेकर गई। आपको बता दें कि CBI ने रविवार को धारा 376D सामूहिक बलात्कार, 307 हत्या का प्रयास, 302 हत्या के तहत भारतीय दंड संहिता और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। बहरहाल CBI की टीम से आने से पहले गांव में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। गांव के अंदर और घटनास्थल के पास भारी संख्या में पुलिस फोर्स है। CBI ने इस केस और घटना से जुड़े सभी अहम कागजात और केस डायरी को भी खंगाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS TV। सर्दियों से पहले दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा गर्माता ही जा रहा है। आज दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और EPCA पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार एक्शन मोड में आ गई है। दिल्ली सरकार ने धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कड़ी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रदूषण के मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि EPCA जैसी संस्था भी केंद्र और राज्य सरकारों से काम करवाने में भी फेल रही है। पूरे साल बाकी सरकारें केंद्र सरकार हाथ पे हाथ रखी बैठी है, क्या एप्का जैसी संस्थाएं भी केंद्र सरकार से पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए कुछ एक्शन लेवाने में फेल हो गई है? क्या हरियाणा और पंजाब की सरकारों से कोई एक्शन लेवाने में, कोई कार्रवाई, कोई उस तरह की पॉलिसी कोई इंप्लीमेंट कराने में जिससे वहां के किसानों को भी नुकसान ना हो और वो भी पॉल्यूशन से बच सकें, और दिल्ली के लोग भी, उत्तर प्रदेश के लोग भी, हरियाणा के लोग भी, राजस्थान के लोग भी और तमाम राज्यों के जो नॉर्थ इंडिया के पॉल्यूशन के शिकार हो रहे हैं वो बच सकें? तो क्या एप्का भी फेल हो गई है इन सरकारों से कुछ कराने में, पूरे नॉर्थ इंडिया में पॉल्यूशन को कंट्रोल कराने में सरकारों की भूमिका तय करने में? अभी तो ऐसा ही लग रहा है। साथ ही सिसोदिया ने कहा कि सरकार लगातार काम कर रही है कि दिल्ली के प्रदूषण को कैसे कम किया जाए। प्रदूषण और पराली सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, ये पूरे उत्तर भारत की समस्या है। कोविड के उस सब के बीच भी लगातार सड़क पे उतरे हुए हैं, जगह जगह जा रहे हैं, लेकिन पॉल्यूशन और ये जो पराली का खास तौर से है, ये केवल और केवल दिल्ली की समस्या नहीं है। हम हर बार इस समय बात करते हैं कि साहब ये पराली का जो पोल्यूशन है ये दिल्ली की देन नहीं, ये पूरे नॉर्थ इंडिया की समस्या है। देन की भी बात नहीं है, समस्या की भी, खाली दिल्ली को प्रभावित कर रहा है ऐसा नहीं है, ये पूरे नॉर्थ इंडिया को प्रभावित कर रहा है। अफसोस की बात यह है कि केंद्र सरकार ने पूरे नॉर्थ इंडिया में पॉल्यूशन को और खासतौर पर पराली के पॉल्यूशन को नीचे लाने के लिए कोई काम नहीं, पूरे साल हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती है। इसका नुकसान सिर्फ दिल्ली को नहीं उठाना पड़ रहा, दिल्ली के लोगों को नहीं उठाना पड़ रहा, इसका नुकसान, केंद्र सरकार की इस निष्क्रियता का नुकसान पूरे नॉर्थ इंडिया के लोगों को उठाना पड़ रहा है। हर साल हालात ठाक के 3-5 जैसे ही बन जाते हैं और इसके कारण दिल्ली वासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस साल कोरोना के संक्रमण के कारण पराली का धुआं किस हद तक परेशानी बढ़ा सकता है, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS TV। कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद सांसद फारूक अब्दुल्ला के हालिया बयान की वजह से उनके लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। इसी बीच दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के बाहर साइन बोर्ड पर हिंदू सेना द्वारा एक पोस्टर चिपकाया गया जिस पर लिखा हुआ था
कि चीन फारूक अब्दुल्ला को गोद ले ले। जम्मू कश्मीर की सियासत में हाशियाई की ओर जा रही नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के चीन मोह पर जम्मू कश्मीर में अब आक्रोश फूटने लगा है। कई सियासी और सामाजिक संगठन आरोप लगा रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला का राष्ट्र विरोधी चेहरा फिर से सबके सामने आ रहा है। तो वहीं अब हिंदू सेना के कार्यकर्ता ने चीन के दूतावास के साइन बोर्ड पर फारूक अब्दुल्ला के पोस्टर लगाए और चीन से अपील की कि फारूक अब्दुल्ला को गोद ले ले। आज चीन के दूतावास पे उसके फारूक अब्दुल्ला का मैंने पोस्टर लगाया है। मैंने चीन से रिक्वेस्ट किया है कि चीन अपने जो समर्थक है उसको भारत से ले जाए, उसे अडॉप्ट कर ले, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने एक बयान दिया है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम चाइना के मदद से कश्मीर में फिर से 370 बहाल करेंगे। मैं ऐसे बयान का घोर निंदा करता हूं और मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि अगर इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, और फारूक अब्दुल्ला अगर इस बयान के लिए माफ़ी नहीं मांगता है तो हिंदू सेना उग्र आंदोलन भी कर सकती है। बता दें कि फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर अनुच्छेद 370 के राग को उठाते हुए चीन की मदद से पुरानी व्यवस्था को बहाल करने का दावा किया है। यहां तक कि उन्होंने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव का कारण भी अनुच्छेद 370 को हटाया जाना बता दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएस टीवी। बड़े पर्दे पर फिल्म देखने वाले शौकीनों का इंतजार फाइनली खत्म होने वाला है, क्योंकि 15 अक्टूबर से सिनेमा घर खुल रहे हैं। सिनेमा संचालकों ने दर्शकों की सेहत और मनोरंजन का ख्याल रखते हुए फुल प्रूफ इंतजाम भी किए हुए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। फिल्मों को बड़े पर्दे पर देखने के शौकीन लोग 2 दिन के बाद शहर के सिनेमा घर या मल्टीप्लेक्स में जाकर देख सकेंगे। कोरोना को ध्यान में रखकर दर्शकों को फिल्में दिखाए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। हॉल में सीटों के सैनिटाइजेशन का काम तेजी से किया जा रहा है। फूड स्टॉल्स पर भी सैनिटाइजेशन का काम तेज हो गया है। ईटिंग टेबल्स और लोगों के सामान खरीदने के लिए जगह जगह पर मार्किंग की गई है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके। हॉल के अंदर भी एक सीट छोड़कर एक सीट पर डिस्टेंस बैंड लगा दिया गया है। गाइडलाइंस की कुछ चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हमने रिप्रेजेंट की हुई थी पहले, और वो उसी लाइंस पे गाइडलाइंस जारी हुई हैं। चीज़ें जैसे कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो कॉन्टैक्टलेस होगी और टच फ्री होंगी। लोग जो आएंगे या तो टिकट खरीदने आएँ या फिर ऑनलाइन बुकिंग करें, उन्हें एक फुल्ली लोडेड SMS मिलेगा। उस SMS के 4 लिंक होंगे। पहले लिंक से आप एंट्री कर सकते हैं QR कोड स्कैन करके। दूसरे लिंक से आप अपनी सीट आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिना किसी से इंट्रैक्शन करते हुए। तीसरे लिंक से आप अपने मेन्यू में से जितने फूड आइटम्स हैं या स्नैक्स आइटम हैं वो चूज़ कर सकते हैं, और चौथे से अपनी टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा सिनेमा की एंट्री की बात करें तो मास्क पहनना और हैंड सैनिटाइज करना कंपलसरी होगा। मैनुअल फ्रिस्किंग नहीं होगी किसी की, लेकिन लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी है, और किसी भी लोग को कोई सिम्टम यदि आइडेंटिफाई होता है तो हम उन्हें एंट्री नहीं करेंगे। यदि कोई अपना मास्क लाना भूल गए हों तो हमारे लिए PPE किट है जो एक नॉमिनल चार्ज पे अवेलेबल रहेगी सिक्योरिटी एंट्री पे। एक बार हमारे पास आप सिनेमा प्रीमाइसिस में आ गए तो जितनी भी सिनेमा की टच पॉइंट्स हैं वो सारे को डिसइनफेक्ट हमेशा किया जाएगा। लोगों को जो एक दूसरी गाइडलाइन है कि 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना है आउटसाइड द ऑडिटोरियम, तो हम लोग डिमार्केशन सब जगह बनी हुई हैं, एंड वी विल हैव आवर ओन पीपल आल्सो टू गाइड टू एंश्योर दैट पीपल आर मेंटेनिंग सेफ डिस्टेंस। सिनेमा के दीवानों का अब इंतजार खत्म होने वाला है। पर्दे पर आने वाली फिल्म का अब लुत्फ उठा सकेंगे। वहीं शो शुरू होने के बाद सैनिटाइजेशन पर विशेष जोर दिया जाएगा। एक शो पूरा होने पर कर्मचारी आकर सैनिटाइजेशन का काम करेंगे। वहीं शो के शुरू होने से पहले हर व्यक्ति को सैनिटाइज किया जाएगा। उनका गेट पर ही तापमान नापा जाएगा। वहीं हर किसी को मास्क लगाकर फिल्म देखने की शर्त पर ही अंदर आने की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएस टीवी। भारत में कोरोना मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में 55,000 नए मामले सामने आए, और ये पहली बार है कि करीबन 2 महीने में 55,000 नए मामले सामने आए, क्योंकि पिछले महीनों में 90,000 के ऊपर आंकड़ा गया था और कुछ दिनों से 70 से 80,000 के बीच में नए मामले दर्ज किए जा रहे थे।
देश में बेशक कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि दैनिक नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से सोमवार की तुलना में मंगलवार को कोरोना मामलों की संख्या में भारी कमी देखने को मिली। सोमवार को जहां 66,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे, वहीं मंगलवार को 55,342 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 706 लोगों की वायरस के कारण मौत हुई है, जबकि देश में कुल मामलों की संख्या 71,75,880 हो गई है। इसमें सक्रिय मामलों की संख्या 8,38,729 है। महाराष्ट्र में भी कोरोना मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिली है। बीते 24 घंटे में राज्य में 6,945 नए केस दर्ज हुए हैं। रोजाना होने वाली मौतों की संख्या में भी गिरावट आई है। 24 घंटे में यहां 165 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं दिल्ली में भी कोरोना मामलों में सुधार दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में राजधानी में कोरोना के 1,849 मामले सामने आए हैं, जबकि 40 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में अब तक 3,11,188 कोरोना केसेस दर्ज हो चुके हैं, जबकि जान गंवाने वालों का आंकड़ा 5,809 है। मृत्यु दर और एक्टिव केसेस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.53% हो गई है। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका इलाज चल रहा है उनकी दर भी घटकर 11.69% हो गई है। इसके साथ ही रिकवरी रेट यानी ठीक होने की दर 86.78% है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएस टीवी। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।